अटेंशन डियर स्टूडेंट, मैं अविनाश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं बी एकेडमी पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे बिहार बोर्ड क्लास टेंथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को डील कराया जाता है, जो कि 2021 में पूछे जाएंगे। तो आज का हमारा नया चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, जो कि सामाजिक विज्ञान के इतिहास का फर्स्ट चैप्टर है। तो हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाली समझौताओं को किस नाम से जाना जाता है? तो मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाली समझौता को हनोई की संधि के नाम से जाना जाता है। हनोई की संधि के नाम से जाना जाता है। तो इस अनुसार से हनोई की संधि हमारी किसी भी ऑप्शन में नहीं दिए गए, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? घ। अगर हनोई की ऑप्शन रहेगी तो वह हमारा सही आंसर होगा हनोई की संधि। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? ऑप्शन क साम्यवादी शासन प्रणाली, ऑप्शन ख लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, ऑप्शन ग फांसीवाद एवं नाजीवाद शासन, एवं ऑप्शन घ पूंजीवाद शासन प्रणाली। तो हमारा सही आंसर होगा ग फांसीवाद एवं नाजीवाद शासन प्रणाली शासन का उदय हुआ। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है? ऑप्शन क नेपोलियन, ऑप्शन ख हिटलर, ऑप्शन घ मेटरनिक, ऑप्शन घ गैरिवाल्डी। तो हमारा सही ऑप्शन होगा मेटरनिक। तो मेटरनिक ने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तीसरे अनुसार हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन घ। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? ऑप्शन क 1890 में, ऑप्शन ख 1848 में, ऑप्शन ग 1871 में, ऑप्शन घ 1870 में। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ग 1871 ईस्वी में। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन क हमारा है 1928, ऑप्शन ख है 1929, ऑप्शन ग है 1930, ऑप्शन घ है 1931। तो यंग यूरोप की स्थापना 1928 ईस्वी में कब हुई? तो 1928 ईस्वी में, यानी हमारा ऑप्शन क सही है। फिर हम अपने देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन फर्स्ट है सोडवा का युद्ध, ऑप्शन ग है सीडान का युद्ध, ऑप्शन ग है क्रीमिया का युद्ध, ऑप्शन घ है प्रशा का युद्ध। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ख। ऑप्शन ख यानी सीडान का युद्ध। सीडान के युद्ध के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ। हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ख सीडान का युद्ध। फिर हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वें नंबर, वर्षाई की संधि कब हुई? तो हमारे पास ऑप्शन है क में 1918, ऑप्शन ख 1919, ऑप्शन घ 1920 और ऑप्शन घ 1930। तो इसमें से हमारा सही आंसर है ऑप्शन ख। वर्षाई की संधि कब हुई? तो वर्षाई की संधि 1919 ईस्वी में हुई। फिर हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं अब। इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था? तो इटली के एकीकरण के मसीहा मेजनी को माना जाता है।
किसको माना जाता है? तो मेजनी को। मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। फिर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन क सीडान, ऑप्शन क सोडवा, ऑप्शन क साइडाइन, ऑप्शन क फ्रैंकफर्ट। तो हमारा सही ऑप्शन होगा सीडान। सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध सीडान में हुआ था। हम फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन, फ्रांस के किस शासक वंश का पुनः स्थापना बियान कांग्रेस के द्वारा किया गया था? फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना बियान कांग्रेस के द्वारा किया गया था? तो हमारा सही आंसर होगा ग, ब्रूबो वंश की स्थापना। किस वंश की स्थापना? तो ब्रूबो वंश की स्थापना। 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गैरिवाल्डी पेशे से क्या थे? तो आप लोग आंसर सही दीजिएगा, क्या वो सिपाही थे, किसान थे, जमींदार थे या नाविक थे? तो बताइए जल्दी से। तो हमारा सही आंसर होगा घ, नाविक। क्या होगा? नाविक थे। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। जोलवेराइन एक संस्था थी। ऑप्शन क क्रांतिकारियों की, ऑप्शन ख व्यापारियों की, ऑप्शन ग विद्वान की, ऑप्शन घ पदारियों की। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ख व्यापारियों की। जलवेराइन किसकी संस्था थी? जलवेराइन व्यापारियों की संस्था थी। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। फिर हम अपने सही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? ऑप्शन क तुर्की को, ऑप्शन ख मिस्र को, ऑप्शन ग यूनान को, ऑप्शन ग पोलैंड को। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन क तुर्की को। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर वाले देखते हैं। जर्मन राइन राज्य की स्थापना किसने की थी? क लुई सोलवा, ख नेपोलियन बोनापार्ट, ग नेपोलियन तीसरा एंड ऑप्शन घ बिस्मार्क। तो जर्मन राइन राज्य की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। किसने की थी? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, बिस्मार्क पेशे से क्या थे? तो आप लोग जवाब दीजिए, कवि थे, नाटककार थे, संगीतज्ञ थे या कूटनीतिज्ञ थे? तो हमारा सही ऑप्शन है बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ थे। क्या थे? तो एक कूटनीतिज्ञ थे, बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ थे। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन क क्रीमिया का युद्ध, ऑप्शन ख सोडवा का युद्ध, ऑप्शन ग प्रशा डेनमार्क का युद्ध, ऑप्शन घ सेडान का युद्ध। तो हमारा सही आंसर होगा सेडान का युद्ध। सही आंसर क्या होगा? तो सेडान का युद्ध। सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। 18 नंबर, वॉर एंड पीस की रचना किसकी है?
ऑप्शन क कार्ल मार्क्स, ऑप्शन ख लियो टॉलस्टॉय, ऑप्शन ग दोस्तोवास्की, ऑप्शन ग एंजेलिस। तो हमारा सही ऑप्शन होगा 18 का ख। कौन है? तो लियो टॉलस्टॉय। हमारा सही आंसर है लियो टॉलस्टॉय। वॉर एंड पीस की रचना किसकी है? तो लियो टॉलस्टॉय की है। हम नेक्स्ट की ओर जाते हैं। 19 नंबर, यंग यूरोप की स्थापना, यंग यूरोप की संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ऑप्शन क मेजनी, ऑप्शन ख गैरिबाल्डी, ऑप्शन ग विक्टर इमैनुअल, ऑप्शन ग मुसोलिनी। तो यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे? तो मेजनी थे। यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे हमारे? तो मेजनी थे, ऑप्शन क। यंग यूरोप के संस्थापक मेजनी थे। हम फिर 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। बियान सम्मेलन किस वर्ष हुआ? बियान सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन क 1815 ईस्वी में, ऑप्शन ख 1820 ईस्वी में, ऑप्शन ग 1825, ऑप्शन ग 1830। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन क 1815 ईस्वी में। हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन क 1815 ईस्वी। फिर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ख नेपोलियन बोनापार्ट ने। ये रिपीट क्वेश्चन आ गया है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22, यूरोप में राष्ट्रवाद पहली स्पष्ट अभिव्यक्त कब हुई? यूरोप में राष्ट्रवाद का फर्स्ट टाइम अभिव्यक्त कब हुई? ऑप्शन क 1789 ईस्वी, ऑप्शन ख 1830 ईस्वी, ऑप्शन ग 1848 ईस्वी, ऑप्शन ख इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा यूरोप में राष्ट्रवाद पहली स्पष्ट ऑप्शन क 1789 ईस्वी में हुई। फिर हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 नंबर, मेटर्निक का पतन किस वर्ष हुआ? मेटर्निक का पतन किस वर्ष हुआ? क मार्च 1841 में, ख अप्रैल 1847 में, ग मई 1847 में, और घ जून 1848 में। तो हमारा सही आंसर होगा मेटर्निक का पतन किस वर्ष हुआ? तो मेटर्निक का पतन ग मई 1848 में हुआ। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो ऑप्शन क नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन ख नेपोलियन तीसरा, ऑप्शन ग विक्टर इमैनुअल, ऑप्शन ग विलियम प्रथम। तो हमारा सही ऑप्शन होगा नेपोलियन तीसरा। ये तीनवा नहीं, तीसरा होगा। जर्मन और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो नेपोलियन तीसरा था। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर, मेजनी ने सन 1834 में किस संस्था का गठन किया था? मेजनी ने सन 1834 में किस संस्था का गठन किया था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा क जलवे राइन। क्या होगा हमारा सही आंसर? क जलवे राइन। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि हम इसी तरह और 25 क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड लाते रहें। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप लोग शेयर भी करिए।